हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के साथ स्प्रिंग रोल सीड्स बनाने की रेसिपी शेयर करने वाली। दो टाइप से बताऊंगी मैं, एक तो अंडे से बनाएंगे और एक नॉर्मल जो अंडा नहीं खाते हैं उनके लिए भी मैं बनाने के लिए बताऊंगी, और कैसे स्टोर कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले अंडे वाला बैटर बनाते हैं। तो मेजरमेंट आपको कैसे लेना है, अगर वजन से ले रहे हो तो 100 ग्राम या 200 ग्राम जितना सीड्स बनाना हो आपको, आप उस हिसाब से लीजिए। अगर वजन से नहीं ले रहे हो तो कप या कटोरी का मेजरमेंट करना है। वैसे मैंने पहले भी डाल रखा है स्प्रिंग रोल का सीड्स कैसे बनाते हैं और स्टफिंग कैसे बनाते हैं, फुल वीडियो मैंने डाल रखा है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक डाल दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हो। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे हम अंडे वाला सीड। तो मैं क्या कर रही हूँ, 1 कप मैदा ले रही हूँ। अगर आप वजन से बना रहे हो तो सारा चीज सेम लेना है। मैं कप से बना रही हूँ तो 1 कप मैदा और 1 कप ही कॉर्नफ्लोर लेना है। थोड़ा सा नमक डालेंगे और 1 अंडा डालेंगे। मिक्स करेंगे इसे अच्छे से। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। तो इस टाइप का पहले बैटर बनाएंगे और इसको हाथ से 1 से 2 मिनट खूब अच्छे से मिक्स करेंगे। तो 1 से 2 मिनट मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका बिल्कुल पतला सा लिक्विड तैयार करेंगे। इस तरह से देखिए, स्प्रिंग रोल का सीड्स बनाने के लिए जो बैटर यूज़ होता है ना, वो बिल्कुल पतला होता है, गाढ़ा बिल्कुल नहीं रखना है, नहीं तो मोटा मोटा आपका सीड बन जाएगा और अच्छा भी नहीं बनेगा। तो पानी डालना है और इसको चेक करना है इस तरह से, अंगूठे के ऊपर में आप नाखून पे डालिए थोड़ा सा बैटर, और ये देखिए इस तरह से आपका होना चाहिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो ये आपका बैटर बन करके रेडी। अंडे वाला बैटर तो बन चुका है सीड्स बनाने के लिए, अभी बिगर अंडे वाला बनाएंगे। तो सेम प्रोसेस, जितना आपको मैदा लेना है उतना ही आपको कॉर्नफ्लोर भी लेना है। तो मैंने सेम कप के मेजरमेंट से दोनों चीज ले लिया है, और इसमें अभी हमें दूध का यूज करना है। थोड़ा सा नमक लेंगे, थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और इसका पहले गाढ़ा वाला लिक्विड बनाएंगे। मैं दूध का यूज कर रही हूँ, आप चाहो तो पानी का भी यूज कर सकते हो। बस सेम प्रोसेस में जैसे हमने अंडा वाला सीड्स बनाया, लिक्विड बनाया है, उसी तरह से इसका भी लिक्विड हमें बना लेना है। पहले गाढ़ा लिक्विड बनाना है, उसके बाद इसे 1 से 2 मिनट खूब अच्छे से मिक्स करना है, फिर थोड़ा थोड़ा दूध या पानी जो भी आप यूज़ करना चाहो वो डाल करके एक पतला सा लिक्विड बना लेंगे। अभी रमज़ान भी आने वाला है, तो आप इस तरह से सीड बना करके रख लें, आपका रमज़ान में काम जो है ना बहुत ही आसान हो जाएगा। या फिर आप स्नैक्स के लिए भी बना करके रख सकते हैं, बच्चे मांगते हैं कभी भी खाने के लिए, तो इसे निकाल करके आराम से फटाफट फ्राई करके दे सकते हो, या कोई गेस्ट आ गया तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। और भी मैं बहुत सारे रेसिपी इससे बनाऊंगी। एक मैंने शॉर्ट्स वीडियो भी डाला है, क्रंची चिकन स्नैक्स डाला है, तो आप उसे भी ज़रूर वॉच करें। बहुत ही अच्छा स्नैक्स बन करके रेडी हुआ था और बहुत ही क्रिस्पी बना था, तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स किया करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर किया करें। तो इस तरह का मैंने लिक्विड बना लिया है और 2 मिनट इसे अच्छे से फेंट भी लिया है, और अब थोड़ा और दूध डाल करके इसका पतला लिक्विड बना लेंगे। अगर लम्स पड़ जाए तो इसको आप छान भी सकते हो छन्ने में। तो सीड्स बनाने के लिए ये लिक्विड बन करके रेडी है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस को ऑन करके एक पैन रख दिया है। पैन को हल्का सा गर्म करेंगे, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। तो हल्का सा गर्म हो गया है, अभी गैस के फ्लेम को मैंने बिल्कुल कम कर दिया है। बैटर इसमें डालेंगे और इस तरह से घुमा देंगे। सीड्स बनाने से पहले एक प्लेट लेंगे और कॉर्नफ्लोर डाल देंगे, ताकि जो भी सीड्स बनाए इसी के ऊपर में डालेंगे तो चिपकेगा नहीं। तो मैंने एक सीड बनाया है, इस तरह से डाल देंगे और इसके ऊपर भी हमें कॉर्नफ्लोर डस्ट कर लेना है। पैन को मैंने हल्का सा गर्म करा है और गैस के फ्लेम को बिल्कुल कम कर दिया है। 1 चम्मच भर करके इसमें बैटर डालेंगे और इस तरह से घुमा लेंगे।
जो भी एक्स्ट्रा रहेगा बटर उसको उसी बॉल में डाल देंगे इस तरह से। अगर आपको लगे आपका बैटर बहुत गाढ़ा है, सीट नहीं बन रहा है अच्छा, तो थोड़ा सा पानी आप मिक्स करके इसका बैटर पतला कर सकते हैं, क्योंकि सीट्स बनाने के लिए बैटर पतला होना बहुत जरूरी है। अगर मोटा होगा तो फिर सीट्स आपका अच्छा नहीं बनेगा। अभी गैस के फ्लेम को हाई कर देंगे और इस तरह से घुमाते हुए सभी साइड में, एक ही साइड में नहीं रखना है, इस तरह से आप राउंड राउंड घुमा लें तो आराम से सभी साइड में अच्छे से सीख जाएगा। और ये जैसे ही सीखेगा ये साइड से अपने आप ही निकल जाएगा। ये कॉर्नर अभी आपको दिख रहा होगा चिपका हुआ है, ये अपने आप ही हट जाएगा। इसको ज्यादा नहीं सेकना है ये, तो इसी तरह से सारा सीड्स को बनाना है। तो अभी चलिए मैं अंडे वाला बनाती हूँ। और इसको कैसे रखना है आपको मैं दिखा देती हूँ। पहले मैंने जो सीट बनाया था इस तरह से रख दिया है और कॉर्नफ्लोर का डस्ट कर दिया है। इसको भी सेम इसी तरह से रखेंगे, कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। कॉर्नफ्लोर डालने से क्या होगा, ये सीट से एक दूसरे में चिपकेगा नहीं। तो अब बनाऊंगी मैं अंडे वाला, जो लिक्विड बना करके रखा था इस तरह से डाल दिया और फैला दिया। जो भी एक्स्ट्रा रहेगा उसको निकाल देना है, नहीं तो फिर मोटा बन जाएगा। फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है और ये देखिए बहुत ही आराम से रिमूव हो जाता है। ज़्यादा सेकना नहीं है, इसके ऊपर में कलर नहीं लाना है। तो सारा सीड्स को मैंने बना लिया है, अंडे वाला भी और विदाउट अंडे वाला भी। तो अभी इसको स्टोर कैसे करना है हमें, लेंगे और इस तरह से डालेंगे, वापस से ऊपर से कॉर्नफ्लोर डालेंगे और एक बटर पेपर ऊपर से वापस रखेंगे। फिर सेम प्रोसेस में थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डालेंगे, उसके ऊपर फिर एक सीट रखेंगे, वापस से उसके ऊपर फिर कॉर्नफ्लोर डालेंगे और फिर वापस से उसके ऊपर एक बटर पेपर डालेंगे। तो आपको जितना भी स्टोर करना है सीट को, इसी तरह से आप रिपीट करते जाए। तो मुझे जितना भी सीड्स को स्टोर करना था मैंने इस तरह से एक के ऊपर एक करके रख लिए है। और इस टाइप का एक थैली आता है, आप इसमें इसको स्टोर कर सकते हो, या फिर जिप लॉक बैग भी आता है उसमें भी आप डाल करके रख सकते हो। जब भी आपका सीड अच्छे से ठंडा हो जाए उसके बाद ही इसको अंदर रखना है और इसे अच्छे से पैक कर देना है। हवा कहीं से भी नहीं जाना चाहिए, खुला नहीं होना चाहिए। और जब भी आपको बनाना हो आधा घंटा पहले निकाल लीजिए फ्रीज़र से और आराम से बना लीजिए। आप इस सीट से समोसा भी बना सकते हो, कई तरह की रेसिपी बना सकते हो। तो जितना भी सीट्स को मुझे स्टोर करना था मैंने इस तरह से रख लिया है और इसे अच्छे से पैक करके डीप फ्रीज़र में रख दूंगी। बस बनाने से पहले आप भी आधे घंटे पहले बाहर निकाल लेना और जो भी चीज़ आपको बनाना है आप इससे बना सकते हो। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया है और बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अगर ट्राई करोगे तो ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करें, बनाएं और इन्जॉय करें।